और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ओप्पो के प्राइवेसी फीचर्स। अगर आपके पास ओप्पो फ़ोन है तो प्राइवेसी फ़ीचर्स को कैसे सेट करें, कोई भी ऐप्स है उसको हाइड कैसे करें या फिर पासवर्ड देकर लॉक कैसे करें, या फिर और ढेर सारे कस्टमाइजेबल फीचर्स है प्राइवेसी रिलेटेड। तो आप सेफली अपने कोई भी ऐप्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ भी हो इस फ़ोन में आप सेफली रख सकते हैं। तो कैसे करना है, क्या कुछ सेटिंग्स चेंज करना है, तो देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर जाना है। तो सेटिंग्स में आपको मिलेगा प्राइवेसी, तो ये रहा प्राइवेसी, तो इस पर एक बार टैप करना है एंड यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। परमिशंस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐप्स आपके कैमरा को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको बिना बताए एक्चुअली अगर कैमरा ऐप यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर एक ग्रीन डॉट का शो होगा, तो उसे आपको थोड़ा ध्यान में लेना है कि कोई ऐप है वो कैमरा एक्सेस कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ कैमरा एक्सेस को ऑन किया गया एंड इवन माइक्रोफोन एक्सेस को ऑन किया गया। तो कौन से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, परमिशन मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैमरा ओके इन तीन ऐप्स कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके फ़ोन में ढेर सारे ऐप्स है, स्नैपचैट रहता है, व्हाट्सएप रहता है, ढेर सारे ऐप्स रहता है, तो यहाँ पर आपको शो होता जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि इस ऐप को कैमरा एक्सेस नहीं देना है तो आपको क्या करना है, बस उस पर टैप करना है एंड यहाँ से डोंट अलाउ एनी वे पर टैप करना है। तो इससे क्या होगा, वो परमिशन चला जाएगा और एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं है ये, ऐसे आपको चेंज करना है कैमरा एक्सेस। यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ मैं ऑफ कर देता हूँ बिल्कुल, तो सारे ऐप्स का जो भी कैमरा एक्सेस है वो ऑफ हो जाएगा एंड जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तब आपको परमिशन पूछेगा कि कैमरा एक्सेस करना है या नहीं, तो आप ध्यान से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वैसे ही माइक्रोफोन एक्सेस भी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेसी, यहाँ पर ढेर सारे सेटिंग्स जो मैं कह रहा था पहले, तो यहाँ पर दिया गया है ऐप लॉक है। सबसे पहले हमें ऐप लॉक को देखेंगे, तो इसको आपको एक बार पासवर्ड सेट करना है। तो ऐप कैसे लॉक कर सकते हैं, यहाँ से पहले इसको स्विच ऑन करना है, फिर पूछेगा कि कोई पासवर्ड सेट करो। तो सेटिंग्स में जाएंगे हम, यूज़ अ डिफरेंट पासवर्ड टाइप है। अगर आप नंबर्स नहीं डायल करना चाहते हैं, पासवर्ड नहीं रखना चाहते हैं, तो यूज़ अ डिफरेंट पासवर्ड टाइप टैप करना है। पैटर्न रख सकते हैं, अल्फा न्यूमरिक रख सकते हैं, तो अभी वीडियो के लिए एक सिंपल पैटर्न बना रहा हूं। ओके, तो दो बार कंफर्म करना है आपको एंड यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन मिलेगा, अगर वो पैटर्न भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ओके, तो बाहर शादी हो रहा है किसी का, तो उसका आवाज़ आपको थोड़ा सुनने में लगेगा, तो एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मर टीचर्स नेम, यहाँ से जाकर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं या फिर अपना खुद का एक क्वेश्चन बना के आंसर रख सकते हैं याद करने के लिए। तो लेट्स से कि फेवरेट रेस्टोरेंट रखे, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ABCD रखता हूँ। रिकवरी ईमेल भी आप रख सकते हैं, मान लीजिए कि आप भूल गए हैं पैटर्न लॉक, तो ईमेल कर दिया जाएगा आपको, तो वहाँ से आप एक कर सकते हैं। ओके, फिलहाल ABCD हमने रखा है अगर भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अमेज़न ऐप को अभी मैंने लॉक किया है, तो यहाँ मैं बैक लेता हूँ, बैक लेकर अमेज़न ऐप को एक्सेस करने के लिए जाऊँगा, तो क्या पूछेगा, लेट्स सी। ओके, तो अमेज़न ऐप को मैंने ओपन किया, तो इंस्टेंटली सेट प्राइवेसी पासवर्ड। ओके, सो मैंने पैटर्न रखा था, तो यहाँ से अमेज़न ऐप खुल गया। तो ये ऐसे आप इसको ऐप लॉक कर सकते हैं। तो कहाँ था ये, सेटिंग्स में आपको प्राइवेसी पर जाना है, तो यहाँ से प्राइवेसी आएगा, ऐप लॉक, बिल्कुल ऐसे कोई भी ऐप्स हो यहाँ से लॉक करते जा सकते हैं आप। ओके, तो सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा और कौन से ऐप्स को लॉक किया, अगर बहुत सारे ऐप को लॉक करते हैं तो यहाँ पर शो हो जाएगा, लॉक में फिल्टर कर सकते हैं आप। एंड यहाँ से थोड़ा सेटिंग्स में जाएंगे, लॉक ऐप व्हेन, कब लॉक करना है आपको, अमेज़न ऐप को अभी लॉक किया है ना हमने, कब लॉक करना है, लॉकिंग द स्क्रीन, जैसे स्क्रीन लॉक करते हैं ना तभी ऐप लॉक हो जाना चाहिए, बार बार मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं एंटर करना। तो एग्जिटिंग द ऐप, मतलब ऐप बैक लेते ही वो लॉक हो जाएगा, वैसे रखना चाहते हैं तो एग्जिटिंग द ऐप रख सकते हैं आप। एंड अदर अनलॉक मेथड्स भी है, फिंगरप्रिंट से भी आप अनलॉक कर सकते हैं ऐप को, फेस से भी ऐप को अनलॉक कर सकते हैं। तो इतने सारे डिटेल दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे कंपनी अगर वर्क करता है फीचर्स के ऊपर तो कस्टमाइजेबिलिटी बहुत ही बढ़ता है, इसीलिए एंड्रॉयड फोन्स ऑलवेज आर गुड। तो देखिए टर्न ऑफ पासवर्ड, चेंज पासवर्ड है फिर भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इतना डिटेल्ड में कस्टमाइजेबल सेटिंग्स दिया गया है, थम्स अप फॉर दैट, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट वन है हाइड ऐप्स। ओके, तो यहाँ पर हमने पैटर्न बनाया है, तो ऐप्स कौन से ऐप्स को हाइड करना है, तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे, अभी अमेजन को हाइड कर दिया मैंने। ओके, लेट्स गो टू सेटिंग, यहाँ पर एक्सेस कोड देना है आपको, #007 एंड मस्ट एंड विथ हैश, तो स्टार्टिंग में भी हैश आना है, अपना नंबर लगाना है, फिर हैश लगाना है, उसके बाद आप टिक मार्क कर दीजिएगा एंड डन। तो कौन से ऐप्स को अभी हाइड करना है। ओके, तो अमेज़न को हाइड करेंगे पहले,
तो अभी मैं बैक लेता हूँ। ओके, नॉर्मल फ़ोन जैसे हम यूज़ करते हैं, यहाँ से अमेज़न चला गया। तो कैसे एक्सेस करना है भाई, कहाँ ढूंढेंगे कि अमेज़न ऐप गया है? तो डायलर पे जाएंगे, फ़ोन डायलर। तो यहाँ से डायल पैड खोलेंगे, तो यहाँ #007#, तो यहाँ से आपको दिखेगा हिडन ऐप्स। तो यहाँ से अमेज़न को ओपन कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मुझे लगता है आपको पता नहीं था, तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो प्राइवेसी यहां से एक्सेस कम्प्लीटली कर सकते हैं। हाइड ऐप, फिर इसको अनलॉक कैसे करना है, तो हाइड कैसे निकालना है, तो यहां से स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है प्राइवेट सेफ, ये भी बहुत ही अच्छा है। एक प्राइवेट सेफ में आप डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, आप रख सकते हैं। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए, कोई भी इमेजेस वीडियोस यहां पर है तो ऐड करके आप रख सकते हैं। तो प्लस पर टैप करना है, तो इमेजेस, अगर इस इमेज को सेट एज प्राइवेट करके रखना है तो ईजिली आपको यहाँ प्राइवेट में मिलेगा। तो कैसे इसको एक्सेस करना है, प्राइवेट सेफ पर जाइएगा, अपना पासवर्ड या फिर पैटर्न एंटर कीजिएगा। यहाँ से आपको जो सीक्रेटली आप हाइड कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं, एक गैलरी में शो नहीं होगा। एंड लास्टली, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्राइवेसी डैशबोर्ड। तो लास्ट 24 आवर्स में कौन से ऐप कैमरा को एक्सेस किया है, लोकेशन कौन से ऐप एक्सेस किया है, माइक्रोफोन हो या फिर अदर सेंसर्स हो, कौन से ऐप्स ने इसको ओपन किया है, आप इजीली यहां से जान सकते हैं। एंड उसके हिसाब से अगर आपको कुछ सस्पिशियस लगता है तो ऑफ कर सकते हैं इजीली। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ प्राइवेसी में इतने सारे सेटिंग्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें कौन सा पता था पहले वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छा लगता है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।